हेलो एवरीवन, हाय, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, जहाँ होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं भी अच्छी हूँ, अभी इस समय मैं ठीक हूँ। मेरा दांत ठीक हो गया थोड़ा है, वो भी ठीक हो जाएगा। और सबको मेरा प्रणाम। और बताइए क्या कर रहे हैं आप सब? और मैं आज है सैटरडे, मैं आज थोड़ा बिजी थी इसलिए मैं ब्लॉग स्टार्ट नहीं की, मैं अब से स्टार्ट कर रही हूँ। ससा मुझे वहां से देख के हंस रहे हैं क्या। और मैं बना रही, देखिए खिचड़ी बना रही हूँ, सैटरडे है इसके लिए। और मैं खिचड़ी में डाली हूँ पत्ता गोभी, आलू, मटर और फूल गोभी, फ्लावर, ये सब डाली हूँ। मैं सब डाल के बनाती हूँ। मैं जीरा, लवंग और काली मिर्च सबका थोड़ा सा मैंने तड़का दिया है, अनियन का तड़का दिया है, लहसुन का, सब डाल के अब मैं सब मसाला डालने जा रही हूँ। थोड़ा सा लाल मिर्च डालूंगी, हल्दी डालूंगी, और मैं थोड़ा सा ये गरम मसाला है थोड़ा सा मैं वो भी डालूंगी, इसमें थोड़ा सा ही बचा है मैं डाल देती हूँ। ये सब डाल के मैं अच्छी तरह भून लूंगी। और मैं आज थोड़ा सामान लेने चले गई थी मार्केट, इस वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पाया और मैं ब्लॉग भी नहीं स्टार्ट कर पाई हूँ आज कुछ। वो इतने टाइम से कर देती हूँ, स्टार्ट हो जाएगा। और मैं कुछ लाई हूँ, मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी, दिखाऊंगी। और आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में कैसी लगी, अच्छा है कि नहीं अच्छा है। मैंने अपने लिए नहीं लिया है, सासू माँ के लिए लिया है। और देखिए शायद आगे शायद हम गाँव भी जाए, अभी कुछ फिक्स नहीं है, देखिए क्या होता है, तैयारी तो हो रही है। आज ससांग बहुत खुश है, गांव जाना है इनको, इनकी दादी बुला रही है ना। हाँ, तब जोर से जाना है भैया। मैं थोड़ा पानी डालूंगी, मैंने भून लिया है मैं अकॉर्डिंग। सच बात पूछती हूँ बताना न बाबूजी, छिपाना न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं हमेशा गुनगुनाते रहती हूँ और मैं रोने भी लगती हूँ अगर ये सब गाने अगर मैं सुनती हूँ इमोशनल के, तो मेरी आंख भर जाती है, मुझे बहुत याद आती है पापा की और रोना भी आता है। इस वजह से मैं गाना नहीं गाती जल्दी, लेकिन मैं सुनती हूँ, मैं रोज सुनती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। अब भी मैंने 2 से 3 टाइम सुना उसको, गाने को, क्या करें। सही बात है, ये जिसने भी लिखा है बहुत अच्छा लिखा है, बहुत सुंदर लिखे हैं, एक पापा के और बेटी के बीच में एकदम बहुत परफेक्ट लाइन है, बहुत अच्छी लाइन, मुझे बहुत पसंद है, मैं तो रोज सुनती हूँ। क्या करें, मुझे तो ये सब गाने सुन के बहुत रोना आता है, क्या करें। प्रशांत चुप रहे, नमस्ते कर सबको, नमस्ते। अरे देखिए मैं इसमें डाल दी हूँ, ज्यादा तीखा नहीं बनाऊंगी क्योंकि ये लोग खाएंगे नहीं, फिर परेशान करेंगे मुझे। मैं हर सैटरडे को बनाती हूँ, इतने टाइम ही बनाती हूँ मैं खिचड़ी, और हर सैटरडे को बनाना भी चाहिए। इसमें थोड़ा मैं उड़द की दाल भी डालना भूल गई, डाल देती हूँ, और काली दाल जरूर डालना चाहिए। और मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा, और ये देखिए मैंने चावल अभी भिगा के रखा है, दाल उड़द की सफेद वाली, इडली बनाना है, बच्चे परेशान कर रहे हैं सोसाइटी में। क्यों, अभी मैं भिगा दूँ क्या होगा, बोल तो रहे थे बनाने के लिए। और सोसाइटी में हमारे नारियल मिला था, मैंने आप लोगों को तो दिखाया था, ये अभी ब्लॉग नहीं गया होगा, सॉरी ब्लॉग नहीं गया है, इसके लिए मैं आप लोगों से सॉरी चाहती हूँ। ब्लॉग डालना है मुझे, क्या करूँ, मैंने वो मैं बनाती हूँ अपने हस्बैंड के मोबाइल से ब्लॉग, फिर वो मुझे सेंड करते हैं, उसको डाउनलोड करने में टाइम जाता है, फिर मैं अपलोड करूंगी, बहुत मुझे टाइम लग जाता है ये ब्लॉग भेजने में, क्या करूं, इसीलिए लेट हो जाता है। और वही निकाले हैं नारियल, तो मैं बोले बना दो चटनी भी बन जाएगी उसके, और
बन जाएगा इस वजह से। अभी एक और बस एक ही पड़ा है। हाँ एक हम लाए। हाँ ये लोग वापस एक लेके आए दिए दिखाए सबको मिला दो दो। अभी 250 फ्लैट है, 250 में सबको दो दो दिए हैं और जो बचता है वापस देते हैं। ऐसा नहीं है सोसाइटी में दिया जाता है सबको। हाँ ऐसा नहीं करने का बेटा, देंगे ना जॉन अंकल। जॉन अंकल बोलते हैं यहाँ पे सब उनको, जॉन है नाम ही उनका जॉन है। और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैं क्या लाई हूँ, एक मिनट रुक जाइए। और आप लोग मेरे वीडियो, आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है, ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट में जरूर बताइए आप लोगों को कैसा लगा। चलिए ज्यादा से शेयर कीजिए। एक मिनट में इसमें नमक डाल के फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। जो मैंने भिगाया है चावल और वो इडली के लिए, चावल और मैंने उड़द की दाल भिगाई है वाइट वाली। क्या ओके मैं इसको पीस लेती हूँ, इतने टाइम ही पीस के रखूंगी तो सुबह बनेगा। मैंने पीस लिया है, पीस कर रेडी कर लिया और मेरी खिचड़ी भी बन गई है। अभी 10 मिनट बाद में सब करूंगी मैं, निकालूंगी सब खाएंगे। पीस के मैंने उसमें हल्का सा नमक डाल के रख दिया है, अभी सुबह उसमें और डालूंगी खाने का सोडा। ये देखिए मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ, मैंने लिया है साड़ी सासू माँ के लिए और जिनकी शादी है उनके लिए भी लिया है। और आप लोग देख के जरूर बताइएगा कैसा लग रहा है। अच्छी तरह निकालो, हेल्प करो मेरी, ये निकालो, रुको एक मिनट। हाँ पकड़ो मेरा, दादी के लिए है ये, दादी के लिए। हाँ ये दादी के लिए है, ये दादी के लिए। अच्छी लग रही है कि नहीं आप लोग जरूर बताइएगा। बहुत अच्छी साड़ी, मुझे बहुत पसंद आई ये साड़ी। चलो रखो अभी उठाते हैं, लोग ऐसे ही करते हैं। तो साड़ी आप लोग बताइए कैसी है, बहुत अच्छी, बहुत सॉफ्ट है, बहुत अच्छी है, ये सुंदर लग रही है, सोने की है। हाँ सोने की है, दफा बोल रहे हैं। तो ये सोने की नहीं है। मत निकालो, और एक मैं दिखाती हूँ जिनकी शादी है उनके लिए। सॉफ्ट है ये तो। हाँ ससांग को सब मालूम है सॉफ्ट है। पकड़ो जरा निकालो बस वहाँ वो पकड़ो। और ये आप लोग देखिए लग रही है ना, ये जिनकी शादी है उनके लिए बहुत बहुत सुंदर साड़ी है। ये कलर थोड़ा सा अलग आ जा रहा है इसमें, लेकिन इसका कलर बहुत सुंदर है। ये गाजरी कलर में है, इसमें थोड़ा अलग आ जा रहा है और है गाजरी कलर में, बहुत सुंदर है साड़ी। और एक ऐसे ही सिंपल ले ली हूँ, और एक है ये। ये सिंपल ऐसे रेगुलर के लिए अच्छी लग रही है। वो साड़ी के लिए तीनों साड़ियां कैसी हैं आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ये देखिए चलिए मैं दिखा दी हूँ, मैं चलती हूँ किचन में देखूँ क्या कर रहा है। मुझे अभी अभी बस हो गया सब, मैं निकाल लेती हूँ, अभी सब लोग खाएंगे पियेंगे
और प्लीज आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साड़ियाँ कैसी थी आप लोग जरूर बताइएगा। देखिए अभी गाँव जाए ले तो ली हूँ, गाँव जाना है सो देखिए क्या होता है, टिकट मिल जाएगा तो जाएंगे नहीं तो फिर देखते हैं। ये साड़ी तो जाएगी, अगर मैं गाँव जाऊँ या ना जाऊँ साड़ी तो चले जाएगी है जाने वाले, तो उनके साथ भेज दूंगी नहीं तो फिर मैं जाऊंगी तो लेके जाऊंगी। और चलिए मैं आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। आप चलिए बाय बाय, सबको मेरा प्रणाम।